हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? मजा मा थिंग दिया आराम दी। हाउ आर यू डूइंग एवरीवन? रेडी फॉर एवोल्यूशन? कल की क्लास को क्या हो गई यार, पता नहीं किसकी नजर लग गई। क्लास चल रही है, मैं ले रही हूं देख रही हूं लेक्चर एंड, आई एम लाइक ओ माय गॉड ये क्या हुआ। एनीवेज वी टेक द क्लास। बाय द वे, कल आपका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, आपको पता है सिलेबस? अभी तक मैंने जितने टॉपिक्स कराए हैं, कल आपका उनका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है सुबह 9:30 बजे सैटरडे के सैटरडे। डन। और इनफैक्ट अब अगले वीक से संडे के संडे में वैसे ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट शुरू करने वाली हूं। डन। गाइस, मैंने आपके साथ कुछ बहुत अमेजिंग शेयर करना है, पर ना पता है कई बार क्या होता है, कुछ नजर वाले एलिमेंट्स भी होते हैं, नजर लगा देते हैं, कुछ बहुत अमेजिंग होने वाला है लाइक मेरी लाइफ में, ऑब्वियसली बायोटॉनिक की वजह से, बट समथिंग सुपर अमेजिंग आई विल टेल यू अबाउट इट इन अ फ्यू डेज टाइम। यस, लेट दैट हैपन। सो हो सकता है मैं 2 दिन की छुट्टी लेके कहीं जाऊं। आई विल कीप यू अपडेटेड एंड आई नो योर लव एंड योर ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद मी। मॉर्फोलॉजी हम आज कर लेंगे, डोंट वरी। यस, डोंट वरी, हम आज कर लेंगे। अच्छा गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू स्टडी फॉर 14 आवर्स एवरी डे नाउ? एक महीने में 14 घंटे पढ़ना है मैम, याद रखना है। तो मैं कुछ बड़े अमेजिंग वीडियोस बना रही हूँ, 30-35 डेज का ऐसा स्ट्रैटेजी बना रही हूँ कि अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो कुछ बहुत 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 अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। जस्ट स्टे ट्यून्ड। वुड यू डू दैट एवरीवन? प्लीज जस्ट स्टे ट्यून्ड। यस, चलिए मॉर्फोलॉजी में आज करवा दूंगी, अभी हम आर्क टेस्ट सीरीज एवोल्यूशन करते हैं। अच्छा गाइस, निमोनिक्स चाहिए एवोल्यूशन के सारे, तो आज रात को 9 बजे वाली क्लास में आई एम गोइंग टू डू ऑल द निमोनिक्स, एनिमल किंगडम के, प्लांट किंगडम के, एवोल्यूशन के। डन। फुल सिलेबस? यस एवरीबडी, फुल सिलेबस भी करवा दूंगी। डन 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 डन। पता नहीं कल क्या हुआ, समथिंग हैपेंड टू द क्लास, इट जस्ट डिसअपीयर्ड। नेवर माइंड, लेट्स स्टार्ट। गाइस टेलीग्राम पे आ चुके हो, टेलीग्राम पे मैंने सारे टेस्ट का पीडीएफ शेयर कर दिया है, क्या आप लोगों ने ले लिया है? डॉक्टर वाणी बायोटॉनिक फॉर नीट, ऑल द पीडीएफ्स आर गेटिंग शेयर देयर, आई होप यू आर देयर। गाइस जितने बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप लोगों को यू नो टारगेट ऑफ द डे आप कर रहे हो, पीसीबी के एमसीक्यूज आप सॉल्व कर रहे हो, आई होप एवरीथिंग इज हैपनिंग। रेडी है ओएमआर? एवरीबडी प्लीज सिट विद एन ओएमआर, प्लीज सिट विद 1 to 30, ऐसे रिटर्न प्लस 4 माइनस 1, बबलिंग करने की आदत डालिए, स्पीड बढ़ाइए। लेट अस डू दैट एवरीबडी, 1 लाइक ऑन द स्क्रीन, 1 लाइक, प्यार भरा एक लाइक ऑन माई स्क्रीन फर्स्ट। डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, चलिए दिया जी बताइए, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन? होमो इरेक्टस, रामापेथिकस, होमो हैबिलिस, क्रोमैग्नॉन मैन, बताइए। गलत। डायरेक्ट एंसेस्टर, कैन यू ऑल सी स्क्रीन? यस एवरीबडी, रामापेथिकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, क्रोमैग्नॉन मैन। ओके, सो नाउ यहां पर 5 ईयर ट्रेंड लिखिए, चलिए जल्दी लिखिए, मैं आपके लिए बनाकर लेकर आई कुछ नोट्स, 5 ईयर ट्रेंड। यस, इससे शुरू हुआ मॉडर्न मैन, ये है 2019 का क्वेश्चन, इज दैट क्लियर? होमो इरेक्टस से आया नियांड्रथल, 2018 का क्वेश्चन, जिससे बना होमो इरेक्टस, जिससे बना होमो सेपियंस सेपियंस, ये है 2015 का क्वेश्चन, लिखिए। 2012 पे भी इसका क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था? 3 फीट इनकी हाइट होती है, इरेक्ट इनका पोस्चर होता है, और 800 से 1300 इनकी क्यूबिक कैपेसिटी, दिमाग का साइज होता है, इनकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आया था। लिख लिया आप सबने? हैव यू रिटन इट डाउन? कम ऑन भवानी जी, हैप्पी बर्थडे, सारे पॉइंट्स लिख लिए बच्चों?
जो मैं बोल रही हूँ, हैव यू रिटन इट डाउन एवरीबडी फास्ट। तो ये आपके 5 साल का ट्रेंड है, ये क्वेश्चन आने का चांस है, मॉडर्न मैन आंसर है 2019 होमो इरेक्टस, राइट। 5 ईयर ट्रेंड नियांड्रथल मैन होमो इरेक्टस, किससे बना नियांड्रथल, नियांड्रथल से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस, सेपियंस 2015 का क्वेश्चन है। दे आर 3 फीट इन हाइट, इनका स्लॉपी हेड होता है, इरेक्ट होते हैं, 800 से 1300 क्यूबिक कैपेसिटी इनके ब्रेन का साइज होता है। ह्यूमन एवोल्यूशन पे क्वेश्चंस आएंगे, ये ना गलत करते रहे, इट इज बेसिकली होमो इरेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, अब इसका भी 5 ईयर का ट्रेंड आपको बताती हूं, चलो, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, आपको आंसर पता है कि नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर ने सिलेक्ट किया है, आपको पता है, पर इनमें से नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इज ए डिफेंसिव अडेप्टेशन, क्या आपने डिफेंस के लिए बनाया है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचने के लिए, इज ए ड्रग रेजिस्टेंस, राइट, ड्रग के लिए रेजिस्टेंस है, इज ए प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विद द सराउंडिंग्स, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इज ए डायरेक्शनल सिलेक्शन, नेचर ने चूज किया है। पहले जब व्हाइट था तो व्हाइट कैमोफ्लाज हो गया था, नेचर ने उसको चूज किया है, इज इट अ सिलेक्शन, और बाद में जब पेड़ काले हो गए तो काले बच गए, इज इट अ टाइप ऑफ सिलेक्शन, 100% नेचर इज चूजिंग। पहले किसकी तरफ था, पहले क्रीम बचते थे, अब काले बचने लग गए, इट इज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन, पर सिलेक्ट कौन कर रहा है, तीनों में से पहले क्रीम ज्यादा थे, फिर आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्लैक ज्यादा हो गए, इट इज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन, बट हु इज चूजिंग, नेचर, दैट इज इट इज अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Is that clear? Nice question ना, देखो words के साथ खेल रहे हैं हम, it is such a good question, कितने बच्चों को लग रहा है बहुत अच्छा question है, raise your hands, right? Directional है, पहले cream थे बाद में काले हुए, it is moving in one direction but nature is choosing, so it's a type of directional selection, very well done. Next question on your screens, the homologous organs are those that show similarity in what, homologous, radius, humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanges, homologous organs. Homologous organs are those that show similarity in what? Homologous. Size, origin, function, appearance. Come on. Pink hands, yellow hands, all the hands are up. Is this homologous? तो function तो अलग होता है, किसी में fly करना है, किसी में flipper है, किसी में भागना है, function तो अलग है, appearance अलग है, size अलग है, same structure, so is it same origin? Humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanges, well done. कितने बच्चों का question सही है, बहुत simple question है, you cannot afford to go wrong. बहुत simple है, homologous, analogous पे एक question exam में आने का chance भरपूर है. जेनेटिक ड्रिफ्ट, सी वॉल राइट इफेक्ट, चांस फिनोमिनन क्यों हुआ है, जीन फ्रीक्वेंसी, अगर मैंने मान लो पैर रख दिया, 4 ब्राउन बीटल खत्म हो गए, टोटल 6 ही ब्राउन बीटल थे, तो ब्राउन बीटल की पॉपुलेशन कम हो गई, इट इज अ चेंज इन व्हाट, इट इज बाय चांस, यू शुड रिमेंबर सी वॉल राइट इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सी वॉल राइट इफेक्ट, इट्स अ चांस फिनोमिनन, बाय चांस हुआ है, डेलिबरेटली नहीं किया है, बाई चांस हुआ है, कम ऑन गाइज, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी, कम ऑन गाइज, दीजिए जवाब, सही जवाब दीजिए सोच के, इज इट अ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, इज इट अ चेंज इन अपियरेंस ऑफ, इज इट बिकॉज ऑफ अपियरेंस ऑफ रिसेसिव जीन्स, इज इट अ जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जेनरेशन टू अदर, नन ऑफ द अबव, आई हैव ट्विस्टेड द एनसीईआरटी, कम ऑन मेरे बच्चों, कम ऑन, इज इट इन द सेम जनरेशन और द जेनेटिक ड्रिफ्ट,
ड्रिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, सी वॉल राइट है, उस जनरेशन में है या उस जनरेशन से जब आगे जाएगा, सोच के जवाब दो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के ऊपर ऐसे ही एग्जामिनर आपको छेड़ेगा। बहुत सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, आप मुझे बताओ एक ही जनरेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज करके आप क्या उखाड़ोगे, सोच के जवाब दो। अगर आपने एक फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जीन्स कम हो गई, एक ही जनरेशन में चेंज करके आप क्या उखाड़ोगे, क्या उखाड़ना चाहते हो आप? यहां है, यहां ब्लू बीटल्स है और सिर्फ तीन ग्रीन बीटल थे, किसी का पैर आ गया और पैर आने की वजह से दो बीटल नष्ट हो गए, तो ये बाय चांस हुआ। अब अगली जनरेशन में जब जाएगा तो सिर्फ एक ही ग्रीन जीन जाएगी, बाकी सारी तो ब्लू जीन्स जाएंगी अगली जनरेशन में। तो अगली जनरेशन में जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना, उस जनरेशन में क्या फर्क होगा? इट इज ऑलवेज अबाउट गोइंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। समझ आया? प्लीज से यस मैम। इट इज ऑलवेज अबाउट गोइंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। बेटा जब एक जनरेशन से दूसरी में जाएगा तब कम जीन्स जाएंगी, तब अलग जीन्स जाएंगी। दैट इज सी वॉल राइट इफेक्ट, दैट इज चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी। समझ आया? We move to the next question. Adaptive radiation का क्या मतलब होता है बताइए मानी मैम को। What is the meaning of adaptive radiation? बताइए। Adaptive radiation, divergent evolution है, convergent evolution है, क्या है? एक से दूर 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 हो जाना। रेडिएशन मतलब एक सोर्स से सब जगह फैल गए, जहां गए वैसे ही बन गए। फ्रॉम वन कॉमन सोर्स इट इज स्प्रेडिंग आउट टू एवरीबडी एंड वेर एवर दे आर गोइंग दे आर टेकिंग दे आर बिकमिंग सिमिलर टू दैट प्लेस। कम ऑन ज्योतिका, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स ज्योतिका। कम ऑन भवानी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू माई डार्लिंग भवानी, गॉड ब्लेस। चलिए एडाप्टिव रेडिएशन बताइए। What is the meaning of the word adaptive radiation? Adaptive radiation. Very well done. I think most of you answered correctly. देख के किया है. Yes, अब मैं इसको समझाती हूँ. Answer आपको पता चल गया. Plus four minus one कर दो अपनी स्क्रीन पे, आप समझ लो. बेटा देखो, geographical isolation की वजह से speciation होती है. अलग अलग species. एक आपको पता है island ये रहा, एक Galapagos island ये रहा. ये adaptive radiation नहीं है. इट इज बेसिकली ज्योग्राफिकली आइसोलेट हुआ, अपनी अपनी स्पीसिएशन करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, राइट? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में ये नहीं पता चल रहा कि इनका एंसेस्टर कॉमन है नहीं। एक चीज थी, इसका एग्जाम्पल है मार्सुपियल्स, राइट? मार्सुपियल्स क्या होते हैं बेटा? पाउच्ड मैमल्स। मैंने आपको तब भी समझाया था मार्सुपियल्स क्या होते हैं बेटा, पाउच्ड एनिमल्स, जिनके पाउच बना हुआ है। ये जो भी बेटा पाउच्ड एनिमल्स हैं, ये जब एक कॉमन एंसेस्टर से ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां से एक जगह से ये अलग अलग तरह के भांति भांति प्रकार के हो गए। एक सिंगल से जब ये अलग हो जाते हैं, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, तब उसको कहा जाता है अडैप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है बेटा, व्हाट डज रेडिएशन मीन? रेडिएशन इज लाइक द रेज ऑफ द सन। सो लाइक द रेज ऑफ द सन, दे आर स्प्रेडिंग एवरीवेयर, दे आर गोइंग एवरीवेयर, एंड जो जहां जाते हैं वहां के हो जाते हैं, वहां जाकर अडैप्ट कर जाते हैं। दे आर गोइंग टू अडैप्ट। रेडिएशन का मतलब है दे आर गोइंग टू स्प्रेड। अब बेटा हमेशा स्प्रेड कहां से होता है? फ्रॉम वन सोर्स, एक सोर्स से स्प्रेड होंगे एंड जहां जाएंगे वैसे अडैप्ट हो जाएंगे। दैट इज रेफर टू अस अडैप्टिव रेडिएशन। इज दैट क्लियर एवरीबडी? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट्स फ्रॉम रैंडम, एक पॉपुलेशन
large population size, highly genetic variable individuals? Very nice question. Take your time. Interbreeding within small isolated population. Constant low mutation rate. Random genetic drift in a population. Random genetic drift in a population probably results from. Very nice question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बी कर रहे हो, सी कर रहे हो? चलो मार्क करो, मैं समझाती हूं. मार्क करो, आई विल एक्सप्लेन इट यू. वेरी नाइस क्वेश्चन. देखो बेटा, सबसे बड़ी बात, जेनेटिक ड्रिफ्ट पे एक क्वेश्चन आएगा. जिन बच्चों ने अभी समझ लिया उनके प्लस फोर एग्जाम में, मैं गारंटी लेती हूं, वन क्वेश्चन विल कम इन जेनेटिक ड्रिफ्ट. डन. एक बार आप समझ लीजिए प्लीज, आई विल एक्सप्लेन इट यू. राइट? इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. मैं आपको एक चीज बता देती हूं बिफोर आई मूव फॉरवर्ड. आई हैव टू टेल दिस टू यू. जेनेटिक ड्रिफ्ट से एक क्वेश्चन आएगा, गारंटी ले लो. जेनेटिक ड्रिफ्ट से एक क्वेश्चन आएगा एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं आएगा. नीट 2022 का पैटर्न देख लो. अब जो मैं समझा रही हूं, जो मैं क्वेश्चन लाई जेनेटिक ड्रिफ्ट के, वो आपने कहीं नहीं देखे होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट? तो आप चलिए आइए, मैं आपको समझाती हूं. सबसे पहली चीज, जेनेटिक ड्रिफ्ट का रूल नंबर वन होता है, इट ऑलवेज अकर्स इन स्मॉल पॉपुलेशन. बेटा अगर पॉपुलेशन बड़ी है, जितना पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता है उतनी पॉपुलेशन स्टेबल होती है. जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है देयर इज अ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी. कोई तो चेंज हुआ है जीन्स में. चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं. भाई अगर पॉपुलेशन बड़ी है, आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश. रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट मीन्स देयर इज अ चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी. इफ द पॉपुलेशन इज बिग, अगर पॉपुलेशन बड़ी है, द बिगर इट इज एक्सट्रीमली स्टेबल एंड यू कैन नॉट चेंज अ स्टेबल पॉपुलेशन. स्टेबल पॉपुलेशन कांट बी चेंज्ड. इट इज stable. Larger the population, more the stability it has. Done. Point number one clear. Negative nahi karna. Point number one clear. Right? Now, random genetic drift, highly genetically variable individuals. Dekho, genetic drift is a chance phenomenon. By chance hua hai. Right? कोई चेंज जेनेटिकली जो वेरिएबल इंडिविजुअल होते हैं वो म्यूटेशंस वगैरह की वजह से. इट हैज नथिंग टू डू विद जेनेटिक ड्रिफ्ट. म्यूटेशंस और ड्रिफ्ट का कोई लेना देना नहीं है. अगर आपके पास एक छोटी पॉपुलेशन है, इस छोटी पॉपुलेशन में सारे लोग शॉर्ट हैं, सिर्फ 5 पीपल आर टॉल, ठीक है, और 90 पीपल आर शॉर्ट. अगर आप इस जेनरेशन को इंटरब्रीड करवाओगे फॉर 10 जेनरेशंस, बेटा इसकी टॉल की हाइट जो है, टॉल जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा क्योंकि इंटरब्रीडिंग हो गई. सिर्फ स्मॉल टी 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 एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसी पॉपुलेशन में आप इंटरब्रीडिंग करवाते रहोगे. सो स्लोली टॉल और ड्वार्फ पॉपुलेशन जो दो थे, टॉल भी थे और ड्वार्फ भी थे, वो स्लोली टॉल खत्म हो जाएगा और ड्वार्फ बढ़ जाएगा बाय इंटरब्रीडिंग इन दैट स्मॉल आइसोलेटेड पॉप, क्योंकि बाहर से कोई टॉल नहीं आ रहा. दैट इज वाई दिस इज द आंसर फॉर कॉजिंग जेनेटिक
ड्रिफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? गॉट इट एवरीबडी? लव कैसे है बेटा? कम ऑन, वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस गाइस, बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं. यू विल नॉट फाइंड दिस क्वेश्चंस एनीवेयर इन एनी बुक, एनी एमसीक्यू, एनी पीवाईक्यू, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनों से वानी मैम सैट एंड मेड क्वेश्चंस. सिलेक्शन का मतलब क्या होता है बताइए वानी मैम को. इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर्स. इन मॉडर्न टर्म सिलेक्शन रेफर्स टू The word is terms. Inheritance of dominant characters, differential reproduction. आप Google करके देखो ये question, आपको नहीं मिलेगा कहीं. Decrease in allele frequency in population, differences in the contribution of various genotypes to the next generation. Time दे दिया मैंने आपको. Can we move forward? You will not find this question. एक्सेप्ट मे बी एक दो जगहों पर आपको मिलेगा क्वेश्चन जिन लोगों ने एनसीईआरटी से खुद क्वेश्चन बनाए हैं. अदरवाइज आपको क्वेश्चन सिलेक्शन नेचर ने चूज किया, नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंस कैरेक्टर्स, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, डिक्रीज इन एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, डिफरेंसेस इन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस जीनोटाइप्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. क्या लैंग्वेज लिखी है, कितने बच्चों ने आंसर 2 मार्क किया बताओ? कितने बच्चे ने? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा. देखो पहले पॉपुलेशन में टॉल भी है, ड्वार्फ भी है और शॉर्ट भी है. सो आपको कर्व नजर आता है ऐसा, सारे हैं टॉल, ड्वार्फ, शॉर्ट. थोड़ी देर बाद ओनली टॉल रिप्रोड्यूस, सिर्फ टॉल रिप्रोड्यूस करते हैं. प्लीज पे अटेंशन, दिस इज अ प्योर एनसीईआरटी फंडा गाइस. बहुत मेहनत कर रही है तुम्हारी वाणी मैम, समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, समझ लो. मैं क्या मांगती हूं तुमसे, 1 घंटा दिन में, जस्ट वन आवर, समझो इसको. इतना इजी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हारे हाल है बेहाल. भैया तुमने बायो भी अगर एनसीईआरटी लेवल की नहीं की, तुम्हारा उजड़ा चमन हो जाएगा एग्जाम में. लिसन टू मी. सो अगर ओनली टॉल विल रिप्रोड्यूस तो क्या होगा? हमें ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा, मीडियम हाइट भी नहीं, ड्वार्फ भी नहीं, हमें सिर्फ ऐसा नजर आएगा, यहां भी नहीं और यहां भी नहीं. तो क्यों? क्योंकि सिर्फ टॉल ने रिप्रोड्यूस किया, हमने ड्वार्फ से रिप्रोडक्शन नहीं कराई, हमने शॉर्ट से रिप्रोडक्शन नहीं कराई. दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन. नेचर ने सिर्फ टॉल को चूज किया, सो द ग्राफ मूव टुवर्ड्स टॉल हाइट. आया समझ में? यस मैम, व्हाट आर थिंकिंग क्वेश्चंस, वो भी एंड. दैट इज जब आप डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? नॉट अलाउइंग ऑल, जब सबको अलाउ नहीं करते, डिफरेंस दिखा रहे हो आप. अगर आप सिर्फ शॉर्ट को रिप्रोडक्शन कराओगे तो ग्राफ एक तरफ को मूव करेगा. हैव यू सीन दिस इन एनसीईआरटी? इट इज दिस एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट? जस्ट से यस और नो, क्या ये एनसीईआरटी का फंडा है? हां जी मैम. क्या आज आपको पहली बार लगा शिट ये तो ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं? दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोमिनेंट कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस नहीं है, एलील फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज नहीं है, वेरियस जीनोटाइप्स का कंट्रीब्यूशन. इट इज जब आप टॉल को रिप्रोड्यूस कराओगे, ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स टॉल. ग्राफ कैसे मूव होता है? स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड डिसरप्शनल सिलेक्शन. इसमें आप टॉल और ड्वार्फ को नहीं करवाते रिप्रोड्यूस, इंटरमीडिएट को करवाते हो, इसमें टॉल को करवा रहे हो, ड्वार्फ को करवा रहे हो, इसमें आप दोनों को करवा रहे हो, बीच वाले को नहीं करवा रहे. सो दिस इज डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन. समझ आया? और बेटा जिनको नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार लेक्चर को दोबारा सुनना,
वैसे तो मैं ऐसे समझा रही हूँ कि सबको समझ में आ जाएगा, पर नहीं। और आप प्लीज ये देखो कि सिर्फ PYQ करने से फायदा नहीं होगा। आप देख रहे हो जब मैं आपके दिमाग को एक एक क्वेश्चन पे चलवा रही हूँ, आप जितने मर्जी PYQ करो, मैं तो कहती हूँ 50,000 एक्सप्रेस कर लो, एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। अगर एग्जामिनर ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया तो भैया कहां से नंबर आएंगे, तुम्हारा दिमाग चलेगा ही नहीं। तुम 50,000 के तुम 1,00,000 एक्सप्रेस कर लो, तुम उन्हीं घिसे पिटे PYQs को 5,000 बार कर लोगे तो भी अगर तुमने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूं बहुत बदकिस्मत है जो लोग जो फ्री में ऐसे लेक्चर को अटेंड नहीं कर रहे, उनको सीट नहीं मिलनी है, कोई तो उनकी किस्मत में भांडा फूटा है। दे आर नॉट गोइंग टू गेट अ सीट गाइज। यस, रोज सेम थिंग। मैंने मॉर्फो के तो कल क्लास नहीं हुई गाइज, आप क्वेश्चन का क्वालिटी देखोगे आपका होश उड़ जाएगा। The way I have formed questions from the MCQs, right? चलिए आगे बढ़ते हैं, let's move forward guys. Next question. आप देखो एक एक क्वेश्चन में आपको टाइम कितना लग रहा है, ये तो ईजी है यार, एक तो ईजी क्वेश्चन में तो बनाने होते हैं ना, मजा आया, ये तो ईजी है। एक और साइंटिस्ट के पीछे नाम है, ये तो लल्लू सवाल है सारे। देखो बेटा ये बात समझो और इस बात को समझो बेटा, देखो सारे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, 50% पेपर PYQ आएगा, 30% पेपर बेसिक और लिटिल हाई लेवल ऑफ NCERT आएगा, पर 20% पेपर वो आएगा जो मैंने बनाया है। बायो में 300 नंबर वाले 50,00,000 क्या 10,00,000 बच्चा होगा, 350 नंबर वाले बच्चे नहीं होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर इतनी मेहनत करोगे तो भी नंबर नहीं बढ़ेंगे, पर अगर बायो में इतनी मेहनत कर लोगे तो 360 on 360 आ जाएंगे। और अगर 100-100 नंबर भी फिजिक्स केमिस्ट्री में ले आए तो 560 पे तुम्हें गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। समझ आया? सो प्लीज डोंट मिस द क्लास, इट इज ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। चलिए, और आप मेरे ही पिछले साल के लेक्चर देखोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बोर्ड्स ओवर हो गए, वेरी वेल डन वर्षा, कम ऑन। एडेनिन वाज सिंथेसाइज्ड बाय ऑर्गिल यूजिंग द मिलर एक्सपेरिमेंट्स। अब क्वेश्चन देखो, बस क्वेश्चन देखो, सेम थिंग आई कैन आस्क यू इन अ सिंपल वे, आई हैव मेड इट अ कॉम्प्लेक्स वे ऑफ आस्किंग, सेम थिंग आई कैन आस्क यू इन अ सिंपल वे। एडेनिन बहुत सिंपल है क्वेश्चन, सिर्फ पूछने का तरीका बदल दिया है मैंने। शुगर बेस फॉस्फेट बेसिस, व्हाट डू दे कंटेन, व्हाट इज देयर इन द गैसेस, कम ऑन, आई हैव जस्ट चेंज द वे टू आस्क द क्वेश्चन और क्वेश्चन बदल गया है और कुछ नहीं है। Come on, इतना सिंपल क्वेश्चन, कितने बच्चों का सही हुआ, डी कर रहे थे, सी कर रहे थे, नो। Why? How can? Yes or no? It's a nitrogenous base pair, not nitrogen, HCN, N वहां से लिया है। Toxic gases थी early atmosphere में, free nitrogen was not there. Control apparatus में क्या नहीं था, control apparatus में क्या नहीं था, no worries, दिशा बताइए क्या नहीं था कंट्रोल ऑपरेटर्स में, व्हाट वाज मिसिंग। यूरे मिलर से हर साल क्वेश्चन आता है, आई हैव जस्ट ट्राई टू पुट द सेम इंफॉर्मेशन इन अ डिफरेंट वे जैसे नीट 2022 में किया था। द कंट्रोल ऑपरेटर्स ऑफ द यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट वाज डिवॉइड ऑफ, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, व्हाई आर यू डूइंग 4 अनुस्वाग, देयर वॉज कंडेंसर,
There was circulation, there was evaporation, but there was no source of energy. ATP shtp thodi na tha. There was no source of energy. Sirf bijli kadakti thi, light plugs the. There was no source of energy. How many of you are genuinely liking the question quality? Tell me. Kam karo question quality. 100,000 express kar do shuru PYQs wali. Should I decrease the question quality? Nahi na. Continue kare same quality of questions. पैरेलल एवोल्यूशन के लिए मैंने एक नई टर्म डाल दी है. चलो कम ऑन. दैट इज नॉट एनर्जी. इट वॉज लाइक फायर और इट वॉज लाइक मे बी इलेक्ट्रोड. इट वॉज नॉट द यस. पैरेललिज्म इज कम ऑन एवोल्यूशन में पैरेलल एवोल्यूशन को एवोल्यूशन अडैप्टिव रेडिएशन अडैप्टिव डाइवर्जेंस इन पे तो क्वेश्चन आएंगे. व्हाट इज पैरेललिज्म? दो आपके पास मार्सुपियल्स ने और प्लेसेंटल मैमल्स ने एक जैसा इवॉल्व किया. आपने एक फोटो देखी एनसीईआरटी में, तस्मानियन वुल्फ है तो वुल्फ है, कोला बेयर है तो ये है, यस वोम्बैट है तो ये है, एंटीटर है तो ये है. दैट इज पैरेलल. प्लेसेंटल मैमल्स ने और उन्होंने एक साथ किया. पैरेललिज्म इज कन्वर्जेंस. यस अगर इधर आपका वोम्बैट है तो इधर भी ऑर्गेनिज्म है, अगर इधर आपका एंट ईटर है तो इधर भी है. सो इट इज अडैप्टिव कन्वर्जेंस ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज और क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स. व्हाट आर द क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स? एक तरफ है मैमल्स और दूसरी तरफ है मार्सुपियल्स और ये कन्वर्ज कर रहे हैं एक साथ. करेक्ट एवरीबडी. डाइवर्जेंस नहीं है. डाइवर्जेंस होता है एक पॉइंट से अलग हो जाना. दैट इज डाइवर्जेंस. ना 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 ना. नॉट वाइडली डिफरेंट. मार्सुपियल्स और मैमल्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. इट इज मार्सुपियल्स एंड मैमल्स एक साथ चल रहे हैं. करेक्ट एवरीबडी. मार्सुपियल एंड मैमल्स गलत हो रहे हैं. डोंट वरी. सीख तो रहे हो. गलत होने से क्यों डर रहे हो? डरो उससे कि मैं सीख रहा हूं. अगर मैं ना अटेंड करूं मुझे इतना भी ना आए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? लाइफ प्रोसेसेस आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिएक्शन दैट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. जीन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी और चेंजेबिलिटी ऑफ स्पीशीज. चलो डोंट वरी अबाउट नेगेटिव मार्क्स. तुम ये सोचो कि यार अगर मैं सिर्फ PYQ एक्सप्रेस करती रह गई और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मेरा भैया 40 दिन बाद मेरा तो बैंड ही बच जाएगा, वंडर बच जाएगा मेरी लाइफ में. उसके बारे में सोचो. डोंट थिंक अबाउट दिस. लाइफ प्रोसेस आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिएक्शंस दैट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एक बात हमेशा याद रखना एग्जाम में भी, जो लग रहा है ना वो कई बार लगता नहीं है. राइट एक चीज हमेशा याद रखना. चलो पहले देखो अपना प्लस फोर माइनस. मुझे प्लस फोर माइनस वन का जवाब दो पहले, फिर मैं समझाती हूं. यस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. लाइफ प्रोसेस आर बिकॉज ऑफ रिएक्शंस. यस. इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यस. Life comes from pre-existing life, biogenesis. Yes. Genes are not responsible. फिर कौन responsible है? सारी information store कहाँ हो रही है? Genes में. अगर genes responsible नहीं है तो कौन responsible है? So genes
are responsible. Well done. Genes hi responsible hain. Well done. Next question. Devonian period. Plus 4 ho gaya. Finally happy. Devonian period. The Devonian period is considered to be as A, B, C, D. Cambrian, Devonian. इसका मैंने कुछ बनाया था तुम लोग के लिए निकालती हूँ. इसका वैसे मैंने अच्छा वो बनाया. आज डाल रही हूँ मैं. क्या कहते हैं उसको. Mnemonics बनाए हैं मैंने सारे. Human evolution और ये वाले. Yes, very simple. So Devonian is basically for fishes. I'm making a chart on mnemonics. उसमें एनिमल किंगडम, एवोल्यूशन और दो तीन टॉपिक्स कर बैठा के बनाया. आज मैं कर दूंगी. द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अपेयर्ड ऑन द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू वर एनएरोबिक, एरोबिक, फोटोसिंथेटिक. नाइस कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. कम ऑन. वेरी नाइस क्वेश्चन. वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. कम ऑन. फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन थे जो अर्थ पर आए थे. कम ऑन. एनएरोबिक थे, एरोबिक थे, फोटोसिंथेटिक थे. फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अर्थ रिड्यूसिंग था नालायकों. यहां से थप्पड़ी मारनी मैं तुम्हें. अर्थ रिड्यूसिंग था. रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं होता. तो पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन थे. एनएरोबिक. अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा. देवी और सज्जनों, क्रेनियल कैपेसिटी वाज लार्जेस्ट अमंग पीकिंग मैन, अफ्रीकन मैन, जावा एप मैन, नियांडरथल मैन. चलो, क्रेनियल कैपेसिटी, दिमाग की कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसमें थी. 1600-1700 तक पहुंची हुई थी. किसमें थी. द क्रेनियल कैपेसिटी वॉज लार्जेस्ट अमंग दी. वैसे तो नियांडरथल मैन है पर यहां नियांडरथ. हाँ ओके दिया है. पीकिंग मैन, जावा मैन, सब में बताइए. पीकिंग की कितनी थी. जावा मैन भी है ना. हाँ ये भी आज मैंने डाला है उसके अंदर आपके. व्हाट इज इट कॉल्ड आपका निमोनिक्स में. ता अगला सवाल. गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन. मतलब जो नहीं होना चाहिए वो है. क्यों है जो नहीं होना चाहिए. क्योंकि कोई पुराना कैरेक्टर आ गया. तो पुराने कैरेक्टर को आने का क्या कहते हैं. अगर किसी के भी बॉडी में कोई पुराना कैरेक्टर आ गया उसको क्या कहते हैं बताओ. किसी भी पुराने कैरेक्टर को आना क्या कहते हैं. किसी की टेल आ गई, कुछ भी पुराना आ गया. एटविस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटामॉर्फोसिस होता है, कंप्लीट चेंज. टैडपोल से बन जाना, टैडपोल से बन जाना, मेंढक, कंप्लीट चेंज. म्यूटेशन होता है, सडन चेंज. रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन इज एवोल्यूशन हैपनिंग ऑन द बैक साइड, बट दिस इज लाइक अ सडन चेंज. इट इज कॉल्ड एटविज्म. गलत है ये. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. इट इज एटविज्म. अच्छा पीछे चले गए थे ना इसलिए 4 आया था. एटविज्म. इट इज एटविज्म नंबर 3 हो गई. यस, एटविस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स. चलिए atavistic characteristics. Obviously I will launch new batch for 2024 on April. 100% I will launch. Raghav, April mein I'm launching a new batch for NEET 2024. A population of species invades a new area. Which of the following condition will lead to adaptive radiation. पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज नए एरिया में चली गई है. अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है. एक जगह से दूसरी दूसरी जगह पर फैल जाना, एक पॉइंट से फैलना. सोचो इनको फिर जवाब दो. अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज इन्वेड्स अ न्यू एरिया. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू अडैप्टिव रेडिएशन. अडैप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है समझो. अडैप्टिव, वेरी गुड क्वेश्चन. Adaptive radiation का मतलब कि यार एक आ गया ये फैलेगा, पर इसको फैलने के लिए जगह चाहिए.
एरिया विद लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट जहां फूड सप्लाई है, भैया लो फूड है तो वो कैसे फैलेगा? नहीं फैल सकता। एक ही तरह का हैबिटेट है, सिंगल टाइप, तो कैसे फैलेंगे? उस वहां पॉन्ड भी होना चाहिए, वहां ग्रासलैंड भी होना चाहिए, वहां ट्रीज भी होना चाहिए, तो ही फैलेगा, नहीं फैल सकता। वहां मेनी हैबिटेट्स हैं, पर मेनी हैबिटेट्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो ऑक्यूपाइड वाली जगह पे कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा, तो वो वही फैल सकेगा जहां बहुत तरह के वेकेंट हैबिटेट है। एम आई राइट एवरीबडी? वो वही फैलेगा जहां बहुत तरह के वेकेंट हैबिटेट्स हैं। Am I right, everybody? Write a yes, ma'am, on Mani ma'am's screen, please. Yes, guys, I'm really working hard for you. Meri mehnat waste mat jaane do. Please. Now, aur kisi ki bhi mehnat waste jaane do. Main bahut mehnat kar rahi hu tum logon ke liye. Please don't let my hard work go for a waste. Promise karo mujhe. Done. Meri mehnat barbaad nahi jaane chahiye, yaar. Say yes, ma'am. Done, पक्का। इतनी मेहनत कर रही हूँ गाइस, इतनी तुम लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, मेरे लिए अभी तुम मेहनत करो। डोंट लेट माई हार्ड वर्क गो फॉर अ वेस्ट, राइट? चलो, तुम लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ यार, तुम छोटे से बच्चों के लिए मेहनत कर रही हो, तुम इतनी मेहनत, मेरे से ज्यादा मेहनत कर रही है तुमको, मेरी मेहनत बर्बाद नहीं जानी चाहिए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ? इजी क्वेश्चन। यस, प्रॉमिस, कम ऑन। What is the correct sequence? How does it start? What happens? How does it progress? What's going to happen? What's the correct sequence of events? Come on. Which of the following is the correct sequence of events in the origin of life? Formation of protobion, synthesis of organic monomers, synthesis of organic polymers, formation of DNA based things, right? सबसे पहले क्या बनेंगे? Organic monomers, फिर organic polymers, फिर एग्रीगेट टुगेदर होंगे, मेम्ब्रेन लगेगी इनके बाद, फिर क्या बनेगा? प्रोटोबायोंट्स, फिर क्या बनेगा? डीएनए। यही होना चाहिए। सबसे पहले क्या बनने चाहिए? सबसे पहले बनेगा मोनोमर, मोनोमर जुड़ के बनेगा पॉलीमर, फिर एक पतली सी फीमल मेम्ब्रेन, पतली सी मेम्ब्रेन लगेगी बाहर, फिर बनेंगे प्रोटोबायोंट्स, और इनके अंदर फिर रिएक्शन होते होते डीएनए या आरएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम बनेगा। सो इट शुड बी 2, 3, 1, 4 Yes, everybody? Perfecto, the gelato, the villetto. Chalo, what is true about the isolated small tribal populations? Chalo. बेटा, ये जो isolation वगैरह है, इन पे मैंने खुद तुम लोग के लिए इस टाइप के questions बनाए हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, मेरे चश्मे का नंबर तक बढ़ चुका है, मुझे कल परसों जाके चश्मा बनवाना पड़ेगा। शाम तक तो मेरी आंखों में इतनी दर्द हो जाती है। ओनली फॉर यू आई एम सेइंग, चलिए बताइए, व्हाट इज ट्रू अबाउट द आइसोलेटेड स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशंस? रीड। वेरी नाइस क्वेश्चन। Very nice question. है थप्पड़ पड़ रहे हैं जिसने गलत किया ये क्वेश्चन। चल पड़ भाई। हाँ, हेरिडिटरी डिसऑर्डर लाइक कलर ब्लाइंडनेस डू नॉट स्प्रेड। भैया ये आइसोलेटेड है, स्मॉल ट्राइबल है, मतलब ये इनब्रीड ही करेंगे तो कलर ब्लाइंडनेस अगर एक को होगी सबको फैल जाएगी। गलत है, ये ट्रू पूछ रहे हैं। अगर एक को भी कलर ब्लाइंडनेस हुई वो हर जगह फैल जाएगी। रेसलर्स हु डेवलप स्ट्रॉन्ग बॉडी मसल पास देयर कैरेक्टर्स। अरे हाउ कैन यू पास बॉडी कैरेक्टर्स? यू कैन ओनली पास जीन्स, यू कांट पास बॉडी कैरेक्टर्स। रॉन्ग, देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज एज दे हैव लार्ज। अरे इनका लार्ज जीन पूल कैसे हुआ?
ये तो स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, सो दे हैव अ वेरी स्मॉल जीन पूल. गलत. देयर इज अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन. क्योंकि क्यों डिक्लाइन होगा? क्योंकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, डिजीजेस आ जाएंगी. इसीलिए इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से, डिजीज होने की वजह से पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी. तो करेक्ट आंसर ये है. हैव दे बीन एबल टू डू 3 or 4 कॉन्सेप्ट्स इन वन सिंगल क्वेश्चन? क्या एक क्वेश्चन की वजह से हमने 3 या 4 कॉन्सेप्ट लगाए हैं? बस मुझे यस या नो बोलो. इस क्वेश्चन पे आपने कितने कॉन्सेप्ट लगाए बताओ? कम ऑन. यस, इस क्वेश्चन पे आपने कितने कॉन्सेप्ट लगाए वानी मैम को बताओ? इस एक क्वेश्चन पे क्या आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कलर ब्लाइंडनेस, राइट, यूज एंड डिसयूज ऑफ थियोरी एंड पॉपुलेशन साइज, आपके ये 5 कॉन्सेप्ट लगे एक क्वेश्चन में, तब जाकर आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है? इज इट अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, नॉट अ प्योर रट्टाफिकेशन क्वेश्चन? 4 कॉन्सेप्ट लगे आपके कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? यस. चलिए, वेल डन. अगला सवाल. गुड बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडस्ट्रियल मैरिनिज्म हैज ऑब्जर्व्ड इन पेपर्ड मॉथ, क्या प्रूव करता है? अभी हमने 2 मिनट पहले भी इंडस्ट्रियल मैरिनिज्म का क्वेश्चन किया है, बताइए. द मेलानिक फॉर्म ऑफ द मॉथ हैज नो सिलेक्टिव एडवांटेज ओवर लाइटर फॉर्म इन इंडस्ट्रियल एरिया. डन, पढ़ो. आपने मेलेनिज्म के 10 क्वेश्चन किए होंगे, इस लैंग्वेज में नहीं किए होंगे. आई कैन प्रॉमिस यू, मेलेनिज्म के 10 क्वेश्चन किए, इस लैंग्वेज में नहीं किए होंगे. इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एज ऑब्जर्व इन पेपर्ड मॉथ प्रूव्स दैट. मैं आपको प्रॉमिस करती हूं, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के कितने क्वेश्चन किए? 10 क्वेश्चन किए होंगे. ये नहीं किया, ये क्वेश्चन किया ही नहीं है आपने, मुझे पता है आपने नहीं किया है. आई हैव नॉट डन दिस क्वेश्चन. Melanic form has no advantage in industrial area. Wrong. Melanic to chup jati hai. It has advantage. Lighter form of the moth has no advantage in either polluted or lighter form has advantage in non-polluted areas. Wrong. Melanism is a pollution generated feature. No. Melanism is present in nature. Light or brown तो पहले से ही present थी. Pollution generated feature is death of lichens, जिसकी वजह से वो दिखाई देती है. Melanism की वजह से pollution नहीं हुआ है. जो true form है वो random mutation की वजह से आया है. That is true. वो अपने आप mutation होती रही. जो true melanic form है वो random mutation की वजह से. इसमें किसी का कोई लेना, जो पहले व्हाइट और ब्लैक थी, दैट इज बिकॉज ऑफ रैंडम म्यूटेशन. सो इसका आंसर है नंबर 1. इट इज बिकॉज ऑफ रैंडम म्यूटेशन. समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. सच अ लवली क्वेश्चन, सच एन अमेजिंग क्वेश्चन. करो. अच्छे से सोच के गाइस, मैं जब आपको पढ़ा रही हूं, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूं, 100 क्वेश्चन एक्सप्रेस नहीं करवा रही हूं. 100 क्वेश्चन एक्सप्रेस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लासेस हैं. इफ द मीन एंड द मीडियन पर्टेनिंग टू सर्टन कैरेक्टर ऑफ अ पॉपुलेशन आर ऑफ द सेम वैल्यू, द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर. मीन और मीडियन दोनों सेम है,
आपको पता है मीन मीडियन मोड होता है, मीन होता है सबका बराबर की वैल्यू, मीडियन होती है बीच की वैल्यू। तो आपकी सबकी बराबर की वैल्यू और बीच की वैल्यू अगर है तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये, बायमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होगा दो पीक्स, टी शेप तो नहीं, स्क्यूड होता है टेढ़ा मेढ़ा, स्क्यूड ऐसा भी नहीं होगा, इट विल बी बायमॉडल। दो 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 वेव्स आएंगे ना आपके, एक मीन की एक मीडियम की, सो इट विल बी बायमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। दो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इट विल बी बायमॉडल। आंसर इज टू, बायमॉडल, बायमॉडल, राइट। जुरासिक में क्या था? रोना नहीं है, समझना है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अब हम क्या करें। जुरासिक में क्या था बताओ? जुरासिक टाइम, जिम्नोस्पर्म्स, फर्स्ट बर्ड्स अपेयर, रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल्स एंड ओरिजिन ऑफ मैमल्स, डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए कि डायनासोर थे उस टाइम पे, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फर्स्ट डायनासोर्स अपीयर, व्हाट वाज इट? यस, सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म्स थे एंड डायनासोर, जो आपको जुरासिक पार्क मूवी में दिखता है वैसा था माहौल। सारे आज जो हम तेल यूज करते हैं, जो ऑयल नेचुरल गैस है, वो जुरासिक एरा का है। सो जुरासिक एरा में जिम्नोस्पर्म्स थे एंड डायनासोर्स थे, नंबर वन। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इसको तो जल्दी करके दो। कम ऑन फिरदौस, कम ऑन डॉक, कम ऑन जूही, जूही प्रकाशल, ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी करके दो। टेम्परेचर बताओ पहले, दो चीजों को काटे, अमोनिया मीथेन वाटर वेपर, CH3 था, CH4 था, NH3 था, NH4 था, ध्यान से करो। कम ऑन वर्षा, वेल डन। अमोनिया और मीथेन, तो भैया CH3 था या CH4 था, ध्यान से करो, जल्दबाजी मत करो। एक एक एच उल्टा पुल्टा किया हुआ है, नालायक को थप्पड़ पड़ेंगे। अमोनिया और मीथेन, ए कैसे कह रहे हो? अमोनिया और मीथेन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, चलो चलो, कम ऑन। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, नेचुरल सिलेक्शन, एडाप्टिव रेडिएशन, कम ऑन। यस, डिफरेंट स्ट्रक्चर, वेल डन, ए, वेरी गुड। अर्नेस्ट हैकल की थियोरी किसने डिसअप्रूव की? इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट थियोरी किसने डिसअप्रूव करी? कौन सा साइंटिस्ट था? वॉनबेर, ओपेरिन, एआई ओपेरिन, चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रूसेल वॉलेस। आंसर इज डी, तो बहुत इजी है। अर्नेस्ट हैकल, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट वाज डिसअप्रूव बाय वॉनबेर्स, वॉनबेर्स लॉ ऑफ फाइलोजेनेटिक रिकैप्चुलेशन प्रिंसिपल, वेल डन वॉन बेर, वेरी नाइस क्वेश्चन। 4.54, तो क्या था आंसर? After how many years of the formation of Earth, life appeared? 500 billion, 50 billion, 500 million, 50 billion. Easy peasy, lemon squeezy. Please focus on million, billion. I will do Pradhu, lot of assertion reason also coming. Come on. Statement based assertion reason, I'm planning special classes. Like unit by unit assertion reason karwa rahi, because banane pad rahe. Very easy, yaar. Million hai, million, million, million. 4.54. 4.5 पहले और था, 4 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ आई, सो 500 मिलियन ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रट्टा मार लोगे? वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आना है, मतलब आना है, ये मैंने निमोनिक्स में भी करवाना है, राइट। ड्रायोपेथिकस एप्स 20-25 मिलियन ईयर्स अगो, रामापेथिकस 14-15 मिलियन ईयर्स अगो, फिर आया ऑस्ट्रेलोपेथिकस 5 मिलियन ईयर्स अगो, 600 क्यूबिक कैपेसिटी ब्रेन था, होमो हैबिलिस हैंडीमैन 2 मिलियन ईयर्स अगो, 682-720 क्यूबिक कैपेसिटी ब्रेन था,
होमो इरेक्टस 850 टू 1300 क्यूबिक कैपेसिटी ब्रेन था, होमो सेपियंस के फॉसिल्स 60-50 क्यूबिक कैपेसिटी एंड होमो सेपियंस सेपियंस 1300 से 1600 क्यूबिक कैपेसिटी। याद रहेगा, क्वेश्चन कराऊं अभी यहां, होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस नियांडरथलिस 1 लाख साल पहले लगभग। चलो जी, ये तो रटना ही रटना है, इसमें तो मैं निमोनिक करा रही हूं, आज रात को 9 बजे लेक्चर है निमोनिक्स का, डन। बहुत कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक पे क्वेश्चंस देखें, सारे निमोनिक्स करवा रही हूं, मिस मत करना, डन। सारे निमोनिक्स करवा दूंगी, कनेक्टिंग लिंक के निमोनिक्स, मिसिंग लिंक के निमोनिक्स, सारे निमोनिक्स, राइट। ये देखो जुरासिक एरा, ऑलराइट एवरीबॉडी, बात 15 मिनट, तो जुरासिक में क्या था, यस, किस क्या शुरू हुआ, ये स्टडी पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए सोचा इसके सारे निमोनिक्स बना दूंगी। Yes, everybody, मैंने evolution में करवाए भी, इन सब के I'm gonna make mnemonics. ये selection है बेटा, यही से कराया मैंने selection, देखा? Please, ये तो बिल्कुल नहीं भूलना, इसका टेंशन मत लो, इसमें से questions आएंगे, mnemonics, आज रात को 9 बजे की क्लास में इन सब के रट्टे भरवा दूंगी, गिंको बिलोबा कहां से निकला है, फोन कहां से निकला है, बहुत अच्छे mnemonics है, और हार्डी विनबर्ग क्वेश्चन का प्रिंसिपल आने वाला है, राइट। ये आपका है डोमिनेंट जीनोटाइप, ये आपका हेटेरोजाइगस, और ये आपका रिसेसिव वैल्यू 1 तब होगी जब एवोल्यूशन नहीं हुआ है, एवोल्यूशन हो गया, वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। चलो आ जाओ स्टडी पॉइंट का क्वेश्चन करो। चलो 360 आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन हैव जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए, 5480 हैव कैपिटल ए स्मॉल ए, 160 किसको बिलोंग करेंगे बताइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इन दिस पॉपुलेशन इज, इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत बार आया है। 360 out of 1000 individuals in a population have a genotype of, है 0.6 होना चाहिए, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4 लगा इक्वेशन, क्वेश्चन तो सामने ही लिखा है, चलो हो जाएगा। ये आपको वैसे मैंने सिखा दिया, वरना तो बहुत इजी है यार, पी स्क्वायर 360 है तो पी क्या होगा, 6636.6 अंडरस्कोर करके कर दो, डन। चलो ये करिए अभी आप, चलिए अ जीन लोकस हैज टू एलील्स करिए, अ जीन लोकस हैज टू एलील्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, if the frequency of dominant allele is 0.4 then the frequency of homozygous kya hoga, p ho gaya 0.4, recessive kya hoga, 1 minus 0.4 is equal to 0.6, q square kya hoga, 6636, डोमिनेंट ए निकाल दिया ना, बहुत सिंपल है भाई, कैपिटल ए निकाल दिया तो स्मॉल ए कितना होगा, 1.48 हो जाएगा ना, 2PQ 6424, तो क्या हो गया, ए 16
6, 6, 36. And 2 PQ. Yes. Done. Chale aage. Why not? Come on. The statement describes Hardy-Weinberg law the best. Hardy-Weinberg law. Come on. Nikal diya? Kitne bachcho ka sahi hai? लार्ज पॉपुलेशन में कुछ भी चेंज नहीं होता, हमेशा चेंज किस में होता है? स्मॉल पॉपुलेशन में. यस. सो मिक्की जी कह रहे हैं मुझे, शाउट आउट तरुण सर प्लीज. इट्स नॉट ओनली फॉर तरुण सर, आई थिंक इट्स अ शाउट आउट फॉर एनी पर्सन, एनी मैन, एनी वुमन हु वांट्स टू डू हार्ड वर्क फॉर स्टूडेंट्स. आई एम विद दैट पर्सन. यस. Be it any institute, be it any person, be it anybody who wants to work for India, for the students of India, that person will have my support 110%. As a citizen of India, as a teacher of India, any person who wants to work for underprivileged people of India, for the world in general, but if anybody wants to work for the students of India, that person will always and always and always have my 110% support. Yes, because it's not easy to work for underprivileged people. Done, everybody. 2024, I'm going to start from April. Right, the answer is D. I hope ye aapko class samajh mein aaya aur aapko ye samajh mein aaya ho yaar ki kitna zyada डिफिकल्ट है. अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उनको करना. आज शाम को हम मॉर्फो करेंगे. इज दैट क्लियर एवरीबडी? आज शाम को हम मॉर्फो करेंगे. यस मिक्की जी, तो आई होप आप खुश हैं. शाम को आज मॉर्फो करेंगे. कल नहीं हो पाई थी क्लास, और कल आपका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है. हाउ टू मैसेज मी, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम बेटा. माय टेलीग्राम आईडी इज पिंड देयर. आई मैसेज देयर ऑल्सो एंड यू कैन ऑलवेज मैसेज मी देयर. ठीक है. बाय गाइज, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू. I will see you 7 PM, 12 बजे. मैं आपकी बहुत स्पेशल क्लास ले रही हूँ अबाउट हाउ टू स्टडी 14 आवर्स अ डे. डोंट मिस दैट. टेक केयर. बाय गाइज. बाय.